वेलकम, आपका फिर से स्वागत है एक और नई मूवी सिनेमा सिमुलेटर की गेम प्ले वीडियो में। सबसे पहले ज़रा स्टूडियो में जाके हल्ला गुल्ला ज़रा ठीक करते हैं। इधर क्या करने आते हो भाई? भाई इधर हम अपना कैफ़े खोल दिया था अपने, हमने पिछली वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूँगा, जाके देख लेना। मैंने यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स लगा दिए, लेकिन भाई साहब इधर भाई लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब भाई मेरी मशीन की स्पीड थोड़ी कम है और मेरे से तो ये जम नहीं रहा है। मैं अपना स्टूडियो संभालूँ, उसका वो टिकट बूथ फिक्स करूँ, या फिर ये सब कुछ संभालूँ। मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो ले एक और गया। अबे यार इसको ये नहीं चाहिए, किसको क्या चाहिए। सत्यानाश मेरे को इतने ज़्यादा ग्राहक ही नहीं चाहिए, हट बे। रुको यार, इनका पहले ऑर्डर जिनका दे सकता हूँ दे देते हैं, बाद में भाड़ में जाओ, बाकी सब लोग भाड़ में जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। निकलो, निकाल, इसको पहले उठाओ अपने इन्वेंट्री में डाल दो, इसे भी उठाओ इन्वेंट्री में डाल दो। भाई कुछ नहीं हो सकता यार, इतने ज़्यादा लोगों को मैं नहीं संभाल सकता। हाँ तुम लोग भी दफा हो जाओ, अभी नहीं मिलेगा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी, जाओ यहाँ से। चलो ये भी गया, इसे भी उठाओ, इसे भी उठाओ। इसके लिए भी मेरे को कोई एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा। ये क्यों अटक गए भाई? चलो गई, खैर अभी चलो बाकी का सारा काम करते हैं। लोग तो आ रहे हैं, चलो ऐसे ही चक्कर मार के आते हैं। ये कौन खड़ा है, ये कौन खड़ा है भाई? हेलो, आप कौन? मैंने सुना है कि आप यहाँ के मालिक हैं। हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी पहचान करवा देती हूँ। मेरा नाम है तारुका और मैं सबसे फेमस कैफे ओनर की ग्रैंड डॉटर हूँ, जो यहाँ पर पहले काम किया करते थे। यहाँ पर उनका एक कैफे हुआ करता था, वो भी ये चाहते थे कि मैं ये बिजनेस आगे बढ़ाऊँ। और तुम्हारा कैफे देख के लगता है कि ये कैफे आगे बढ़ सकता है। मेरे यहाँ का कैफे बंद हो चुका है, तो क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ? मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ तुम्हारे कैफे का नाम रोशन हो जाएगा, पूरे देश में तुम्हारे कैफे का नाम होगा। सच्ची में? या फिर ऐसे ही फेंक रही है? मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो बाकी लोगों से जाके पूछ सकते हो, उनको पता है मेरी कॉफी के बारे में। Much, much, much later. तो अब मुझ पर विश्वास हुआ? हाँ शत प्रतिशत। तो अब तुम्हें मेरा एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। हेल, तुमने मेरी रिपोर्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा, तो इसीलिए तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम मुझे हायर कर सकते हो। मैं तुम्हारे कैफे में काम करूँ, इसलिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम्हारा कैफे मेरे लायक है। सबसे पहले कॉफी बीन्स जाके लेके आओ। हाँ मुझे से गधा मजदूरी करवाओ। हेलो, हम यहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी बेचते हैं। मुझे चाहिए। ओह, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 5,000 रुपए। 1,000 काफी है इसके लिए? मुझे कंगाल बनाने का इरादा लेके आए हो क्या? 4,000 रुपए काफी होंगे? 500 में देगा? क्या इतने कम पैसे? क्यों भाई, 4,000 में ही दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, 2,500 में ले लो भैया। ले तेरे 2,500 रुपए। तुम बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। बस वापस यहाँ पे मत आना, वरना मैं सच्ची में कंगाल हो जाऊंगा। तो तुम्हें कॉफी बीन कितने में मिली? सिर्फ और सिर्फ 2,500। वाओ, इतना सस्ता? तुम तो बड़े कमाल के हो। तो तुम्हारे लिए अगला चैलेंज, तुम्हें 25 कस्टमर्स को कॉफी पिलानी होगी। तो मैं इसको फाइनली 5,000 रुपए दे के मना लेता हूँ, तो ये अब कल से हमारे कैफे में काम करेगी। चलो अपना आधा काम तो कम ही हो गया, बस एक और बंदा चाहिए जो इन लोगों को ज़रा तमीज सिखाए, लेकिन अपना बॉडीगार्ड तो बस वो उनको रोकता है। खैर अब चलो हम भी सोने चलते हैं। हेलो बच्चे, शायद तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही चुका होगा। खैर अब अच्छा पड़ोसी बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। अब अपने सिनेमा हॉल की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने जो कल किया था वो तो बस शुरुआत थी। और हाँ,
किसी पुलिस वाले से वगैरह मदद मांगने की कोशिश भी बेकार है, क्योंकि वो सब लोग मेरे आदमी हैं। यहाँ इस शहर में तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। जब ये सब कुछ खत्म होगा तब तुम ये खंडर यहाँ पर ही छोड़ के, ये शहर छोड़ के भाग जाओगे, और फिर इस पूरे शहर में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सिनेमा। इसकी ऐसी की तैसी, सारे तेरे मेरे से दुश्मनी क्या है? सारा जल रहा है मेरी सक्सेस को देख के। अब सुबह मिलीप से ही बात करनी पड़ेगी, अब वही बताएगी आगे क्या करना है। The next day. Good morning, कैसा चल रहा है सब? वो बुढ़ा पागल हो चुका है, वो रोटी हमें तबाह करने की सपने देख रहा है। क्या? तब तो हमें जल्द से जल्द पुलिस वालों को ये चीज बता देनी चाहिए। महामूर्ख औरत, पहले वो हार्बर्ट को मारने की प्लानिंग कर रहा था, ये बात हमने पुलिस को बताई, उन्होंने भगा दिया, अब सोच रही है कि ये बात भी पुलिस को बता दे। अरे सबके सब इससे मिले हुए हैं भाई। ओ हाँ, तो हमें शायद उससे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सन की बुढ़ा कहीं का। अरे हार्बर्ट तुम? हाँ बॉस, मैं बस यहाँ पर कैफे की कंडीशन चेक करने आया था। तो क्या सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। बढ़िया, पर रोटी और मियोन के बारे में क्या? क्या वो अभी भी हमारे खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं? हाँ। क्या? ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है भाई। ओ हाँ, हमें निडर बनना पड़ेगा इससे पहले कि वो हम पर हमला कर सके। कुछ हुआ तो मुझे फोन कर देना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मदद करने के लिए पहुँच जाऊँगा। चलो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मिलते हैं। बॉस लगता है मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये काम रोक रहा हूँ, बाद में करेंगे, फिलहाल तो अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। The next day. नानी? अबे ये किसका किया धारा है? मेरा सिनेमा थिएटर गंदा किसने किया? अरे नहीं, किसी ने हमारे सिनेमा थिएटर को ग्रेफिटी कर करके गंदा कर दिया। शायद ये उस रोटी का काम है। वो बचकाने तरीकों से क्यों रोकना चाहता है हमें? उसकी प्रॉब्लम क्या है? ओ हाँ, मेरी फिल्म तो लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। आज रात मैं एक स्पाई बनके इसकी जासूसी करूंगी। ये बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करना। इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं होगा। डॉग की आइडेंटिफिकेशन तो लीक हो ही चुकी है, अब उसे तो ये काम नहीं कह सकते। मैं ही कर दूंगी और मुझे कुछ होगा भी नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। तो चलो आज रात मिलते हैं। अब इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी मेरे को। ये कौन है भाई? हेलो मातरमा जी, आप कौन है? अरे ये मैं हूँ मिलीप। मेरा गेटअप कैसा है? बहुत बढ़िया। ठीक है अभी मैं जा रही हूँ रोटी की जासूसी करने। मेरे चिंता मत करो, तुम जागने से पहले मैं आ जाऊंगी। The next day. हाँ? ये लेटर कौन चिपका गया भाई? अरे बॉस, ये कोई लेटर चिपका गया, रुको मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में। अगर तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुमसे जल्दी मिलूंगा। अरे ये तो बहुत गलत सीन हो गया, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ कुछ गलत हो इससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने लोगों से अपनी बहन के बारे में पूछा लेकिन उन्होंने मुझे पुलिस के पास भेजा। अब पुलिस के पास गया, उसको मैंने अपनी सिचुएशन समझाई लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब निराशा हाथ में आने के बाद मैं हार्बर्ट से मिलता हूँ। अरे बॉस, ये मिलीप की कोई जानकारी मिली? क्या उसको ढूंढ लिया? बिल्कुल भी नहीं भाई। अम्मा यार अब क्या करें? बॉस मैं मिलीप को ढूंढने जा रहा हूँ। जरा संभाल के रहना। हाँ बॉस, और मैं और भी कुछ जानकर ढूंढने की कोशिश करूंगा। चलो अभी मैं अपने काम पे निकलता हूँ। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने सिस्टर, मतलब इस गेम के अंदर हमारी सिस्टर मिलीप को बचा पाएंगे? अब ये तो भैया आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में।
तब तक के लिए अलविदा।